तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं प्रोटीन वाली भिंडी, जिससे हम वेजिटेरियन को मिलेगा भरपूर प्रोटीन। तो चलिए भिंडी बनाना शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे प्याज और मिर्ची काट लिए, भिंडी को धोकर तौलिया के ऊपर सुखा लिया है ताकि भिंडी कुरकुरी बने। पे ये मसाला बन रहा है, ये पहले डाली हल्दी और जैसे कि दिख रहा है मिर्ची है और धनिया और नमक, बस यही मसाले रहेंगे और राई रहेगी, कोई ज़्यादा मसाले नहीं। अगर आपके पास गरम मसाला हो तो वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे है सोयाबीन की बरी, कटी हुई प्याज और ये भिंडी, और ये ऑलिव ऑयल, जो कि हमारे लिए ऑलिव ऑयल से हम भिंडी बना रहे हैं क्योंकि हम बना रहे हैं प्रोटीन वाली और जिम डाइट वाली भिंडी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तो इसीलिए हम ओलिव ऑयल से बना रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमें गुड फैट मिल जाएगा। यहाँ पे हमने गैस चालू कर दी है और यहाँ पे पतीली भगोनी हमने रख दिए, और इसमें हम डालेंगे ओलिव ऑयल। इसको बनाने में कर रही है मदद मेरी मम्मी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरी मम्मी रोज बनाती हैं, बहुत स्वादिष्ट, और मैं वेजिटेरियन हूँ तो उसी हिसाब से प्रोटीन वाली डाइट बना के देती हैं मम्मी मेरे को वेजिटेरियन। चल झूठा। ये देखिए तेल डाला, फिर अब हम इसमें डाल रहे हैं राई, जिससे अच्छा स्वाद आए। अगर आपके पास जीरे हो तो जीरे डाल सकते हैं, हमारे पास जीरे नहीं है, गरम मसाला नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं डाल रहे हैं। हाँ डाल। अरे कहना क्या चाहते हो, डालो डालो डालो। ये थोड़ा भुन जाएगा, दोस्तों इसमें हरी मिर्ची और प्याज डाल दी है राई में, और कड़ी पत्ते थे कुछ सूखे वो भी डाल दिए हैं। अब प्याज भुंजने तक सिकने तक थोड़ा इंतज़ार करते हैं, और थोड़े टाइम के बाद हम आपसे मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्याज जो है वो थोड़ी लाल रेड ब्राउन सी हो चुकी है, यानी कि थोड़ी सी भुंज चुकी है लगभग 50%। अब इसमें हमारा जो मिर्ची हल्दी धनिया नमक वाला जो मसाला है सिंपल, वो डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया था मसाले में, जिससे मसाला अच्छे से भुंज जाए। यहाँ पे ये भुंज रहा है, और ये जो हमारा ऑलिव ऑयल है ये हमने मंगाया था 350 रुपये का 1 लीटर। इसकी अनबॉक्सिंग हमारे YouTube चैनल पे है, आप आई बटन पे जाके उसे देख सकते हैं। और यहाँ पे हम बना रहे हैं प्रोटीन वाली भिंडी, ये सोयाबीन की बरी, इसमें अच्छा प्रोटीन होता है इसीलिए हम सोयाबीन की बरी डाल रहे हैं ताकि हमें प्रोटीन मिल सके। हम वेजिटेरियन हैं और प्रोटीन के काफ़ी कम स्रोत हैं, काफ़ी कम भोजन है जिससे हमें प्रोटीन मिल सकता है, जो आसानी से हम बना के स्वाद के साथ खा सकें। तो अगर आप भी अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं तो ज़रूर प्रोटीन के लिए सोयाबीन को ऐड करें। यहाँ पर हमारा मसाला भुंज रहा है, जब तक यहाँ पे हमारा मसाला लगभग कुछ तो सीख ही चुका है, थोड़ा सा और सीखेगा। वो काफ़ी सिंपल और सरल है। ये डाली हम, अब हम डाल रहे हैं सोयाबीन की बरी। ये सोयाबीन की बरी डाल दी है ताकि इसमें अच्छे से मसाला मिल जाए, मिक्स हो जाए। यहाँ पे मम्मी बोल रही हैं कि अच्छे से मसाला सोयाबीन की बरी में मिक्स हो जाए। यहाँ पे अच्छे से मिला देंगे, दोस्तों अब सोयाबीन की बरी के 1 मिनट के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं भिंडी। ये देखिए डालो मम्मी भिंडी, ये डाल दी भिंडी। ये रेसिपी आप अब घर पे बनाएं तो ज़रूर कमेंट में बताना कि कैसी लगी। ये देखिए हम बना रहे हैं भिंडी और रोटी आज के डिनर में, ये अच्छे से मिल चुका है। अब इसको ढक के रख देंगे करीबन 8 से 10 मिनट, और बीच में ज़रूर देखते रहें कि आपकी भिंडी
नीचे चिपक ना जाए। ओके दोस्तों, मतलब कि अंदर नीचे। ओके, अब बनने के बाद हम मिलेंगे आपको। हाँ तो दोस्तों, हो चुके हैं, अब हमारी भिंडी बन चुकी है। लगभग 10 मिनट से हो चुके हैं और हमने थोड़ा सा इसको बीच बीच में, आइए भिंडी की तरफ दिखाओ यार मम्मी, या ये देखिए, बढ़िया, बहुत गर्म हो चुकी है। ये देखिए भिंडी, ये बीज भी कितनी कुरकुरी भिंडी बनी है, पौष्टिक और कुरकुरी। अगर आपकी भिंडी यहाँ से कि ये बीच में नीचे चिपक रही है, तो आप बीच में 1 से 2 मिनट के लिए गैस बंद कर सकते हैं, जब इसको ढाकें, ताकि ये बीच में ना चिपके, और इसको चला भी सकते हैं बीच बीच में इस, मतलब कि प्लेट के ढक्कन को हटा के। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अब हमारी भिंडी बन चुकी है, अब हम इसको टेस्ट करके दिखाते हैं, चलिए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चलिए तो दोस्तों, अब हम आपको खा के बताते हैं हमारी सब्जी और रोटी कैसी बनी है। तो बहुत बढ़िया लग रही है, आप भी खाएं और टेस्ट करके कमेंट में बताएं। अब मैं बैठ के खाऊंगा, इसलिए जाता हूँ, बाय।